देख लीजिए पूरा आने कहाँ गिर जाइएगा, कहाँ आपका क्या गिर जाएगा, कोई गारंटी नहीं है। सदर अस्पताल मोतिहारी है, माननीय डीएम शीर्षक कपिल अशोक जी देख लीजिए, आपके आप जिलाधिकारी हैं इस मोतिहारी के, मोतिहारी में आपके किस तरह का हालत है देख लीजिए। आने जाने का रास्ता नहीं है, क्या क्या चीज दिक्कत होता आओ जाए कैसे बुझाता है, गिरे से बच गए से गोड़ हाथ चटा, मुश्किल है यहाँ ड्यूटी करना, पानी में हम लोग भीज भीज के, इमरजेंसी में आ जाए तो कैसे आएगा सोचना। स्विमिंग पूल ये जो है ना, हालांकि ये लोग का विकास का एजेंडा यही है उन लोग का ड्रीम प्रोजेक्ट, वाटर प्रूफ अस्पताल, माने वाटर अस्पताल में केवल वाटर ही वाटर। इलाज करवाने आइए और गोड़ तोड़वा के चल जाइए, बुखार का इलाज करवाने आइए और ऐसे प्लास्टर से कहिएगा नहीं कि सब हम कहे महिला शौचालय दिखाएंगे, कैमरा मैन हम नहीं देखेंगे, शौचालय है महिला शौचालय आपको पूरा पानी से भर गया है, कहा दिखाए आपको इस सदर अस्पताल मोतिहारी, ऊपर आसमान नीचे पानी ही पानी। अभी हम खड़े हैं सदर अस्पताल मोतिहारी, आप देख सकते हैं कि चलने को आपको रास्ता नहीं है कहीं पे, बस पानी ही पानी, एक चारों ओर देख लीजिए, चारों ओर घुमा के दिखा दीजिए, सड़क से लेकर के हर जगह पानी ही पानी आपको देखने को मिलेगा, कहीं पे भी आपको सड़क दिख जाए तो आप बता दीजिएगा हमको। यहाँ पे कईयों बार राधा मोहन चाचा रह चुके सांसद, प्रमोद चाचा विधायक, कईयों बार आए कईयों बार गए, पर देख लीजिए हालत, देख लीजिए हालत, देख लीजिए पहले लोग आने जाने में कितना दिक्कत हो रहा है देख लीजिए आप, कितना आदमी आ रहा है जाके ना गटर गिर जाए तब है सब देखा दीजिए, वहाँ से लेके वहाँ ले आई सब, वहाँ से लेके वहाँ ले, दिक्कत होता कि ना, दिक्कत होता कि ना, बहुत दिक्कत है, बहुत दिक्कत है, एक बार देख लीजिए पूरा आने कहाँ गिर जाइएगा, कहाँ आपका क्या गिर जाएगा, कोई गारंटी नहीं है। सदर अस्पताल मोतिहारी है, माननीय डीएम शीर्षक कपिल अशोक जी देख लीजिए, आपके आप जिलाधिकारी हैं इस मोतिहारी के, मोतिहारी में आपके किस तरह का हालत है देख लीजिए। आने जाने का रास्ता नहीं है, क्या क्या चीज दिक्कत होता आओ जाए कैसे बुझाता है, गिरे से बच गए से गोड़ हाथ चटक जाए, आदमी मरी जाए कोई इमरजेंसी हो तो किस तरह जाएगा आप देख लीजिए, इमरजेंसी हो तो किस तरह जाएगा, यही में मर जाएगा, यही में जाएगा, गिर के मर जाएगा, क्या रोज देख रहे हैं यहाँ पे, क्या क्या दिक्कत होता है, बहुत दिक्कत है देख रहे हैं, पूरा चारों बगल पानी पानी है ना, हाँ देख रहे हैं, मरी जाए मरीज का परिजन लोग आए गिर जाए पैर टूट जाए तो हाँ कुछ सुध नहीं ले रहा है, क्या के अब लोगों से पूछते हैं, पूरा सदर अस्पताल आपको घुमा के दिखाते हैं, सदर अस्पताल में अब अंदर आ चुके हैं, अब पानी काहे नहीं आता है, अब काहे नहीं जाता है, काहे इतना पानी लगा है, इसका जवाब अब कौन देगा, अब पानी जाए तो जाए कहाँ से, नाला वाला में पानी नहीं जाता है, नहीं यहाँ का नाला का जो बना है उसका निकासी आगे में नहीं है, यहाँ पे नगर थाना के पास में जाके नाला बंद हो गया है, वहाँ से अगर खोल दिया जाता तो नाला में मिल जाता पानी और वहाँ से निकलना स्टार्ट हो जाता, तो नाला काहे बंद कर दिया गया, बंद कर दिया गया है, लोग वहाँ के जाके देख लीजिए आप, टाउन थाना से लेकर मुफस्सिल थाना तक आपको नाला पूरा जाम मिलेगा, वहाँ का आपको निकासी नहीं, अच्छा नाला का सफाई नहीं हुआ तो पानी जाए तो जाए कहाँ, सबसे बड़ा सवाल, मिला भी नहीं हुआ है, नाला में जाके नाला मिल जाएगा तब ना जाके पानी निकलेगा, सिर्फ आते हैं नगर निगम का लोग यहाँ पे आते हैं, आप बता दे ये नगर निगम है, मोतिहारी नगर निगम है, नगर निगम के लोग आते हैं और यहाँ पे सिर्फ ऊपर झापर करते हैं, पाइप डालते हैं, पानी निकालते हैं फिर चले जाते हैं, लेकिन वहाँ पे साफ कर देते हैं, अगर नाला अगर मुंह मिला देते तो ये सारा पानी जाकर निकल जाता, पुल में चला जाता, लेकिन ये लोग पुल बना नहीं रहा है लोग, और पेट्रोल पंप से नाला घींच नहीं रहा है लोग उसमें, नहीं तो ये पानी यहाँ पे नहीं लगता, करोड़ों रुपये खर्च होते हैं आपको पता होगा, लेकिन अब कोई अब देख लीजिए भारत क्या आपको दिखाए, हम चल चल के दिखा रहे हैं, पूरा भीतर तक दिखाएंगे आपको, पूरा हॉस्पिटल के अंदर तक दिखाएंगे आपको, देख लीजिए डीएम साहब आप कई बार निरीक्षण करने यहाँ पे आते हैं, हर बार आते हैं, तनी अभी हाथ जोड़ के विनती करते हैं, तनी एक बार आ जाइए, एक बार अभी आ जाइए, अभी आके देख लीजिए जो कितना पानी है, आप इसमें चल के बता दीजिए, बस वहाँ से पैदल जिस तरह वहाँ से गरीब लोग आ रहे हैं, पैदल औरत ही औरत लोग माँ लोग वहाँ से आ रहा है, उस तरह आप भी चल के यहाँ से दिखा दीजिए डीएम साहब, चार चक्का से नहीं आइएगा पानी में, अरे बहुत मुश्किल है यहाँ ड्यूटी करना, पानी में हम लोग भीज भीज के पैर भी सड़ जाता है, पैर तो सड़ ही गया है एकदम, हाँ तभी भी ड्यूटी करना पड़ता है, ड्यूटी तो ड्यूटी है भाई।
यही स्थिति है नरक, यह स्थिति है अस्पताल का। नरक से कम नहीं है, आपको दिखा देते हैं खूब कितना दिन से पानी, गंदा पानी है, इसमें चारों तरफ से पानी आके भरा हुआ है। यहाँ पर कहीं निकलने का कोई कहीं कहाँ कोई आ रहा है, न कोई प्रशासन मदद कर रहा है निकालने में पानी, न कुछ अपना अस्पताल से कुछ नहीं हो रहा है, पानी निकालने का कोई साधन नहीं है। डीएम साहब आते हैं आके देखते हैं, देख के चले जाते हैं, लेकिन कहाँ कुछ वो भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। चलिए चलिए, देख लीजिए इधर से गाड़ी आ रहा है, मोटरसाइकिल आ रहा है, ऑटो आ रहा है, आदमी आ रहे हैं जा रहे हैं, पता नहीं यहाँ के सांसद साहब को और विधायक साहब को दिखता है कि नहीं दिखता है, डीएम साहब को भी दिखता है कि नहीं दिखता है। डीएम साहब तो बार बार आते हैं, डीएम साहब एक बार और चलिए आइए, चले आइए तन आके देख लीजिए बस कितना पानी है, कितना काम किए हैं अपने मोतिहारी में। इधर इलाज उलाज होता है, इमरजेंसी वार्ड है शायद, इधर पूरा पूरा लोग हैं, कोई इमरजेंसी में आ जाए तो कैसे आएगा सोचना मुश्किल है। दिक्कत हो रहा है, दिक्कत दिक्कत ना तो दिक्कत बाना दिक्कत ना जी। पूरा आपको सदर अस्पताल घूम कर दिखा रहे हैं, देख सकते हैं कि कितना पानी है, चलना मुश्किल है, पैदल कोई मरीज आ जाए तो कैसे इलाज होगा, किसी का पैर टूट जाए इसे में चलते समय तो कैसे इलाज होगा, यही हम पूछना चाहते हैं। अभी हरदम ही सदर अस्पताल में रहते हैं, अनिकेत पांडे हैं, बिहार नवयुवक सेना के संस्थापक अध्यक्ष हैं, हरदम आते हैं इलाज करवाते हैं। कैसा महसूस हो रहा है, आधा पूरा ठेहुन भर पानी में कैसा महसूस हो रहा है? 5 बार से लगातार जीत रहे हैं विधायक प्रमोद कुमार जी से जाके पूछिए कैसा महसूस हो रहा है। 6 बार से लगातार सांसद जीत रहे हैं राधा मोहन चाचा से जाके पूछिए। भाजपा के प्रवक्ता भाजपा के नेता चिल्ला चिल्ला के कहते हैं कि जनता प्यार नहीं करती है तो 6 वर्ष से सांसद कैसे हैं, जनता प्यार नहीं करती है तो 5 वर्ष से प्रमोद जी विधायक कैसे हैं, तो जनता के प्यार का नतीजा यही है। स्विमिंग पूल ये जो है ना, हालांकि ये लोग का विकास का एजेंडा यही है, यही है उन लोग का ड्रीम प्रोजेक्ट, वाटर प्रूफ अस्पताल, माने वाटर अस्पताल में केवल वाटर ही वाटर, वाटर प्रूफ अस्पताल, वाटर प्रूफ सड़क, सड़क आके नहाइयो सकते, हाँ वाटर प्रूफ सड़क, वाटर प्रूफ प्रखंड, वाटर प्रूफ जल संसाधन विभाग का कार्यालय, वाटर प्रूफ कलेक्ट्रिएट, वाटर प्रूफ ब्लॉक अनुमंडल, सब वाटर प्रूफ, यानी कि वाटर में देर इज नथिंग बट वाटर इन डैट, मैंने खाली पानी ही पानी सब जगह भरा हुआ है, ये लोग का ड्रीम प्रोजेक्ट है। हालांकि आपको पानी का दिक्कत नहीं होना चाहिए इसलिए पूरा पानी भरा हुआ। मेरा सबसे बड़ा अगर आप है तो एक सवाल जाके पूछ लीजिएगा, अगर 1 महीना अगर सदर अस्पताल में या 15 दिन सदर अस्पताल में चाहे मोतिहारी की सड़कों पर गलियों में अगर पानी रहता है तो बाकी 11 महीना नगर निगम के पदाधिकारीगण नेतागण यहाँ के विधायक सांसद पदाधिकारी लोग क्या झक मराता है 11 महीना? लोग काहे नहीं किसी का विधि व्यवस्था लगाता है कि पानी, ये पानी पहली बार नहीं आया है, ये हर साल पानी लगता है, तो 11 महीना चुप क्यों रहते हैं, 11 महीना क्यों नहीं व्यवस्था करते हैं, 11 महीना क्यों नहीं सोचते हैं कि पानी का व्यवस्था कहाँ लगाया जाए, ड्रेन बनवा दिया जाए, यहाँ का पानी का निकासी मोती झील में कर दिया जाए, एक नदी है ना भाई जहाँ निकासी करते हैं। तो नगर निगम का सबसे बड़ा पोल तो खोल कर रख दिया गया है ये थोड़ा सा पानी, कि साबित कर दिया कि नगर निगम की क्या पदाधिकारी सब कितना नकारा है, कितना मतलब भ्रष्ट है और कितना कि मतलब घटिया किस्म का है सोच रखने वाला सब। ये लोग काम करने के लिए, काम न करने के लिए तनख्वाह लेता है और काम करने के लिए लोगों को घूस चाहिए, बस टैक्स उछलने के लिए सरकारी के जितना भी कर्मचारी सब दरवाजे पर पहुंच जाएगा, ये लोग को टाइम पर टैक्स चाहिए, लेकिन ये सब काम नहीं करेगा। अब विकास नहीं करिएगा तो कहिया करिएगा जी? वार्ड भाजपे के हैं, यहाँ के चेयरमैन भाजपे के हैं, जिला परिषद भाजपे के हैं, नगर निगम भाजपे के हैं, विधायक जी भाजपे के हैं, मंत्री जी भाजपे के हैं, सांसद भाजपे के हैं, उप मुख्यमंत्री जी भाजपे हैं, दूदू को उप मुख्यमंत्री भाजपा के हैं, मुख्यमंत्री सरकार भाजपे में है, प्रधानमंत्री भाजपे के हैं, राष्ट्रपति भाजपे के हैं, जब नीचे से लेकर ऊपर तक काफी बैठे हुए हैं, अब के रोक रहा है नाला बनवाने से भाई, के रोक रहा है विकास करने से,
के रोक रहा है ड्रेन बनवाने से, के रोक रहा है चीनी मिल चालू करने से, के रोक रहा है पर कॉल कारखाना लगाने से, के रोक रहा है औद्योगिक व्यवस्था करने से, के रोक रहा है नौजवानों को रोजगार देने से, के रोक रहा है व्यवस्था कायम करने से, के रोक रहा है भाई? इमरजेंसी में आदमी आए तो कैसे आएगा? थोड़ा सामने आपके इमरजेंसी में है, आप अगर गरीब हैं, अगर इमरजेंसी हो रहा है तो आप मर जाइएगा है पानी में। ना यहाँ पे पानी में कोई एम्बुलेंस ढंग से आ पा रहा है, ना परिजन को उसको अगर एक वार्ड से दूसरे वार्ड में लेके जाना पड़ रहा है किसी मरीज को, तो भीग जा रहा है लोग। नाला अगर कहीं कोड़ाया उसमें पैर फंस जा रहा है और गिर जा रहा है लोग। खोखी का इलाज करवाने आइए और गोड़ तोड़वा के चल जाइए, बुखार का इलाज करवाने आइए और ऐसे प्लास्टर करवाने चल जाइए, तो गाँव के लोग पूछेगा कि रे पगला गिर रहा खोखी के इलाज करावे या प्लास्टर करा के चले ले, तो कहेंगे कि ये अच्छा दिन का गिफ्ट है, ये जो हाथ टूट गया है ना ये अच्छा दिन का गिफ्ट है। अच्छा दिन का है, खूब भाजपा को वोट दीजिए, ईवीएम पर चढ़ चढ़ के उंगली से काहे, ईवीएम पर चढ़ के लाते दबाइए, एड़ी चस से चढ़ चढ़ के दबाइए और स्विमिंग पूल का आनंद लीजिए। देख रहे हैं स्विमिंग पूल, आपको भी आनंद आ रहा होगा, गेट तरफ से आपको भी आनंद आ रहा है, अच्छा दिन का आनंद महसूस कर रहे हैं? आनंद आ रहा है, कहीं गिर जाए पैर टूट जाए तो प्लास्टर करवाना पड़ता। हाँ तो यहाँ पे प्लास्टर करा के, यहाँ प्लास्टर का व्यवस्था भी नहीं है, यहाँ से आपको जाके सीधे पुर्जा कटाइए, 2 रुपए का रेफर, प्लास्टर मुजफ्फरपुर प्लास्टरों नहीं होगा, नहीं है व्यवस्था यहाँ प्लास्टर का, वहाँ पे जाके देखिए कहीं से कोई भी व्यवस्था नहीं। डीएम साहब हर बार आते हैं निरीक्षण करके चले जाते हैं, डीएम साहब को क्या कहिएगा? अब इतना डीएम साहब बताएंगे कि कथी का निरीक्षण करते हैं, अब वही ये सवाल उन्हीं से पूछिए, हम तक कहेंगे तो कहीं खराब लग जाएगा। आज चूंकि जिला स्वास्थ्य समिति के अध्यक्ष भी जिलाधिकारी महोदय ही है, ये जिलाधिकारी महोदय तो काम अच्छा करते हैं, देखते हैं, लेकिन उम्मीद है कि अब बताइए ना, अब सिविल सर्जन साहब सिविल सर्जन कार्यालय छोड़ के डीएचएस में जाकर बैठ रहे हैं, इन्हें आके क्या नहीं बैठ रहे अपने कार्यालय में? पानी में दिक्कत हो जाएगा आने में, गड़िया फंस जाएगा, गड़िया में से धुआं निकल जाएगा, यही सब दिक्कत है। और सवाल करिए तो आप अपराधी हैं, सवाल करिए तो आप बागी हैं, सवाल करिए तो कल कल हम ही को जेल में डाल दिया जाएगा। अरे गजबे हाल है, आज आपसे हम आपसे मुंह पर माइक लेके पूछ रहे हैं, बिहान हम ही नहीं रहेंगे माइक लगा के पूछने के लिए, पता चलेगा कि हमको बेल कराना होगा जेल में। यही सरकार है, यही से कि उसे कहिएगा नहीं कि सब हम कहे हैं, ठीक है? हाँ नहीं कहिएगा। इस सदर अस्पताल मोतिहारी है, 6 बार सांसद यहाँ के रह चुके हैं, अभी भी वहीं हैं, विधायक पता नहीं कितना बार आए गए, आते रहते हैं जाते रहते हैं, कोई काम नहीं होता है। सदर अस्पताल मोतिहारी चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि नगर निगम मोतिहारी है, जहाँ देख दवाई 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 वहाँ खरीदने जाइएगा, तैर के जाइएगा स्विमिंग पूल में, दवाई का दुकान है, आनंद लीजिए, आनंद ले रहे हैं उधर लोग, आनंद ले रहे हैं स्विमिंग पूल का, चारों तरफ पानी पानी, पूरा ठेवना भर पानी, ठेवना भर पानी आपको दिखने को मिलेगा सदर अस्पताल मोतिहारी। हाँ कहिए ना, आपके चैनल के माध्यम से हम बड़का चाचा राधा मोहन चाचा से और छोटका चाचा प्रमोद चाचा से आग्रह करना चाहते हैं कि सदर अस्पताल में तत्काल 4-5 को नाव भेज देने का कष्ट करें, ताकि इमरजेंसी से जांच घर में जा सकें, इमरजेंसी से ओपीडी में जा सकें, ओपीडी से ये इमरजेंसी में आ सके, और यहाँ से एक्सरे कराने के लिए जा सकें, यहाँ से कोविड वगैरह जा सके, तो सब जाने के लिए नाव का ज़रूरत है। तो हाथ जोड़ के आग्रह है छोटका चाचा बड़का चाचा से कि सदर अस्पताल मोतिहारी में 4-5 को नाव भेजने का कष्ट करें, और नाव को अंदर से भी घुसाने का प्रक्रिया, क्योंकि अंदर भी पूरा पानी भरा हुआ है, सभी लोग तैर के आ रहे हैं तैर के जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। यहाँ पे सांसद जी है, कितना साल से सांसद यहाँ पे हैं? भाई क्या बात करते हैं, जनता उनसे प्यार करता है तब ना 30 साल से सांसद रखा हुआ है। अच्छा विधायक जी, अब विधायक जी से जनता बहुत प्यार करता है, प्रमोद जी से 25 साल से विधायक हैं, लेकिन 25 साल में 30 साल में क्या करे बेचारा। आप लोग एकदम तो उतार दीजिएगा विधायक सांसद को, कम से कम 100-150 साल विधायक सांसद रहेंगे तब ना मौका मिलेगा काम करने का, 25 साल में 30 साल में बेचारा क्या करे। ये लोग समझता नहीं है, खाली विरोध करता है लोग झूठ मूठ का। सांसद महोदय हैं, बनिया सांसद महोदय हैं, कहीं होंगे के नौकरी अपना पिकनिक उकनिक मनाने, यहाँ जनता के कष्ट से दुख से उनको क्या मतलब है। चलिए यहाँ पे स्टीमर और नाव भेजवा दिया जाए, काहे कि लोग एक्सरे और खून जांच यानी कोई भी जांच हो करवा सके, अंदर भी पानी आपको दिखाते हैं। शौचालय शौचालय कर रहे हैं, किधर है शौचालय? चलिए ना हम दिखाते हैं, कैसा व्यवस्था लग रहा है वहाँ का, तो इतना कचरा व्यवस्था है कि आदमी जा नहीं पाएगा। अच्छा, पूरा लाइटिन चारों छिटाया हुआ है, अभी फोन किए थे हेल्प नंबर पर, तो कह रहा है कि लोग हमारा अथी काम खत्म हो गया। अच्छा हाँ, इधर भी पानी है, एक बार इधर दिखा दीजिए, इधर आइए, ये दिखाइए पूरा कूड़ा कचरा आपको देखने को मिल जाएगा, पता नहीं इसमें कितना बैक्टीरिया फंगस टंगस होंगे इसमें, जो सब रहे।
सब इसमें होंगे। इसमें मरीज लोग शायद रहते हैं और मरीज के वार्ड के सामने पूरा स्विमिंग पूल है। चलिए और भी आपको घूम घूम के दिखाते हैं हम। वार्ड है, मेडिकल महिला लोग का इलाज होता है, सामने स्विमिंग पूल है। सामने स्विमिंग पूल है, आपको पूरा बैक्टीरिया फंगस टंगस से पूरा पूरा अच्छा मतलब पूरा साफ सुथरा आपको स्विमिंग पूल देखने को मिल जाएगा। मछलियाँ इसमें है, शायद अच्छा है, मछली उछली पालने में काम आएगा। कहने हैं आइसोलेशन वार्ड, सामने आइसोलेशन वार्ड है। ये महिला शौचालय है, कैमरामैन जाके महिला शौचालय दिखाएंगे, कैमरामैन हम नहीं देखेंगे। शौचालय है, महिला शौचालय आपको दिखा रहे थे हम। करोड़ों रुपये का फंड आता है इस सदर अस्पताल के लिए। पानी चूरा है जी, क्या क्या हो रहा है शौचालय का? सबसे पहला कंडीशन आप देखिए रहे हैं कि मरीज आया हुआ है, ऑपरेशन होने वाला है, तो पैखाना करने कहाँ जाएगी? चाहे उसके साथ में कोई भी पेशेंट आया तो कहाँ रहेगी, कैसे जाएगी शौच करने? परेशान कैसे लगा था शौचालय? अब देखो ना तो सब तो सामने ही बा कि गंदा चारू बल छिटाल बल लेटी। शौचालय का मतलब इसके विषय में कुछो तो सर सफाई करवाएंगे। ये ड्यूटी रूम है, यहाँ पे महिला लोग रहते हैं और आपको दिखाते हैं। अरे पानी पूरा ऊपर से लेके नीचे ले, पानी नीचे से आ रहा है ऊपर पानी। ये रूम देखिए कितना अच्छा है, पंखा उंखा सब चल रहा है, पर आई देखिए पानी, आई देखिए पानी पूरा पानी से भर गया है। कहाँ दिखाए आपको इस सदर अस्पताल मोतिहारी? चलिए बहुत दिखा लिए हम उनको, उनको क्या बोलिए। मोतिहारी के सदर अस्पताल से मैं साहेब गुप्ता, बहुत बहुत धन्यवाद।